हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज रिकॉर्डिंग के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है बॉयज ऑन डेट पंजाब यूपी बिहार एंड हरियाणा एंड दिल्ली। ओके, हाफ इंजीनियर की ये वीडियो है और लेट्स सी सो व्हाट डू बॉयज डू ऑन डेट। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो जाकर देख लेते हैं कि मुझे क्या पता। हां मुझे क्या पता। नहीं तो चलो ठीक है, लुकमान अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना चाहता, हम वीडियो देख लेते हैं। बिल्कुल मैं चाह के भी नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो लेट्स सी द वीडियो देखते हैं। 3 2 यार अब पेरेंट्स का क्या करें, 21-22 साल के हुए नहीं कि शादी के लग जाते उन्हें, और आज मेरे से 4 लड़के मिलने आ रहे हैं। पापा को पता ही नहीं तो मुझे कोई लड़का पसंद आएगा नहीं, इसलिए अलग अलग गर्ल्स ऑन डेट होना चाहिए था। यार अब देखो क्या होता है। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात कर, तो लगता है एक तो आ गया। यूपी बिहार। जय श्री राम। हाय, बैठे? हाँ तो बैठेंगे ही, खड़े होकर थोड़ी ना बात करेंगे तुमसे। हाय माय नेम इज स्वीटी। स्वीटी का बात कर रही हो? हमारी कुतिया का नाम भी स्वीटी है। अभी सुबह सुबह दूध पिला कर आए हैं उसको। हमारी शादी के बाद कितना अच्छा लगेगा ना, एक ही घर में दो ही स्वीटी। एक को बुलाएंगे दूसरी दौड़ी चली आएगी। वैसे हमारा नाम विक्की है। विक्की? हाँ, VICKY, विक्की। अच्छा चलो कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर ले। पी लिए तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा स्वीटी जी, पर आप कह रहे हैं तो मंगा लेते हैं कुछ। वेटर। यस मैम। 1 virgin mojito फॉर मी। आप क्या लेंगे सर? वही लेंगे जो मैडम ले रही हैं, हमारे लिए भी एक वर्जन मोहित कर दीजिए। वर्जन मोहित नहीं होता, वर्जन मोहित तो होता है भाई, तो बोले हम, तुम समझ गए ना भैया जी। स्वीटी जी यू नो भट्ट? भट्ट WHAT भट्ट। अंग्रेजी कम समझती हो, चलो हिंदी में बात करेंगे आपसे। देखिए ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना तो हमें आता नहीं, इसलिए सीधा सीधा बता देते हैं कि अंग्रेजी के मास्टर हैं, 40 बीघा जमीन है, आपकी मौज रखेंगे शादी के बाद। अब आप बताइए शादी करनी है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सोच के बताती हूँ। ओके ओके, नो भरी भरी। अरे WRRY पता ही, अंग्रेजी नहीं समझते आप तो यार। तब तक हम बजरंग दल में शामिल हो जाते हैं। जय श्री राम। पंजाबी जी, आपका नाम क्या है? बटर चिकन, चिकन कोरमा, तंदूरी चिकन, एक प्लेट छोले भटूरे, तो 2 प्लेट मुर्गे परौंठे। जी मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो मीठी लस्सी भी लेंदा आई। अरे वाह, ये तो है भाई। की गल है जी, तुसी बड़े चुप चुप बैठे हो, नाम क्या तुहाडा? वो क्या है ना, मैं पहले खाना ऑर्डर करती हूँ फिर बात करती हूँ। एनीवेज मेरा नाम स्वीटी है, आपका नाम क्या है? ओ जी अर्ज किया है, 70 रुपए की चाउमीन, 60 रुपए की पाव भाजी, myself sexy पाजी, नाइस नेम। वैसे आपको क्या पसंद है? तुहानू की झूठ बोलना जी, वैसे तो चिकन पसंद है, पर मंगलवार नु आपा पनीर नाल भी काम चला लेंदे हां। अरे मेरा मतलब है काम क्या पसंद है? खाना। अरे खाने के अलावा क्या पसंद है? अच्छा खाने के अलावा पीना पसंद है जी, पर वो क्या है ना कि घरों ही 2 पैग मार के निकलिया सी, इसलिए खान खान का ऑर्डर किया, पर तुसी कहंदे हो तो 2-2 पैग मंगा लेंदे हां। वेटर। नहीं नहीं नहीं, आई एम फाइन थैंक यू। मैं पूछ रही हूं खाने पीने के अलावा भी कोई काम करते हो नहीं करते हो आप? खान पीने के अलावा जिंदगी चोर के रखिया है जी। बिल्कुल, खान पीने के अलावा जिंदगी चोर की रखिया है, खान पीने के अलावा जिंदगी चोर की रखिया है। ओए तो गाना तैयार हो गया जी। ओ वीरे साडा नया गाना तैयार हो गया, तू रैप दी तैयारी कर। मैडम जे तुहाडी हां होवे तो मैं दस देना, इन्ने च मैं गाना कड़दा। सत श्री अकाल। ओके जी, दिल्ली से ले आ गई। ये थोड़े वो मम्मी डैडी टाइप। हां मम्मी डैडी। अभी मंगवाया अपने दोस्त पे, कसोल गया था वो, 1 नंबर का नशेड़ी है। मैं ये सब चीजें नहीं करती हूँ। अरे यार ट्राई तो कर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा चल एक काम कर, तू ये भी छोड़, तेरे लिए एक मस्त जुगाड़ बैठाता हूँ। वेटर।
ब्रो एक काम कर, एक कटिंग कोल्ड कॉफी ले आ। कटिंग कोल्ड कॉफी वो क्या होता है बेटा? जैसे कटिंग चाय होती है ना, वैसे कटिंग कोल्ड कॉफी एक गिलास को दो गिलास में डाल कर चल, दिमाग मत लगा। अभी देखियो मजा आ जाएगा, एक नंबर की मौज आ जाएगी, जन्नत किसी सैर हो जाएगी एक मिनट में। नहीं यार आंख बंद करके एक सांस में खींच जा, एक नंबर की ट्रिप आएगी। भाई खड़े हो ले। मैंने क्या कर दिया सर? खुलेआम नशे कर रहा बोल रहा, मैंने क्या कर दिया? सर जी मैंने कुछ नहीं करा। तू थाने चल बेटा, तेरे थाने बताऊं। ओ हेलो, तुझे पता भी है मेरा बाप? थाने चल, तेरे को बताऊं तेरा बाप कौन है? चल तू। अच्छा सर मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। दो दो पैक तुम दोनों मार लो, चलान काटने में मजा आ जाएगा मां कसम। नहीं यार अच्छे लोग वाले निशे ही बना दिए बस। एक्सक्यूज मी, आप कहीं और जाके बैठ रही ना? एक्चुअली मुझसे कोई मिलने आ रहा है तो वो यहाँ पे बैठेंगे। स्वीटी है ना तू? हाँ हरियाणा। अरे मैं महेश, मेरे तो बात हुई थी तेरी व्हाट्सएप पे, मैं आया हूँ तेरे तो मिलन। फोटो नहीं देखी तेरे मेरे प्रोफाइल वाली? मेरे व्हाट्सएप पे तो आपने सलमान खान की डीपी लगा रखी है ना? हाँ तो 19-20 का है तो मेरी माँ तो मेरे तो सलमान खान ही कहे। अच्छा लेकिन ऐसे टी शर्ट और लोअर में लड़की से मिलने कौन आता है? अरे यार मैं सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया, इतने में मम्मी का फोन आ गया, अब छोरी तो मिलकाना है। अब दोस्तों ने कह दी भाई आखिरी मैच तो खेल के ही जाएगा, नहीं हम मैच हार जाते, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट होगा। फिर मैंने सोचा यहीं तक मुंह धो के निकल जाऊंगा, फिर मैंने मुंह भी ना धोया, शेरन के मुंह भी ना धोए। नहीं जी बिल्कुल, वैसे शेरन के दूल्हे बनी है तू, मेरी तरफ तो हां है शादी की, देख ले अब तेरा जी करता हो तो चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है तू बता दियो, अगले साल भर्ती निकलेगी हरियाणा पुलिस की, दोनों मियां बीबी फिजिकल तोड़ के पुलिस में भर्ती, लाइफ सेट। चल मैं चलूं अब। और सुन कपड़े देख के जज मत करियो, कपड़ों का किया ये तो कभी भी बदल जावे, दिल साफ होना चाहिए आदमी का। नहीं भाई सही बात, बिल्कुल सही बात, सही बात, सही बात। यार लड़के तो सारे ही अच्छे थे, अब किसको सिलेक्ट करूं समझ नहीं आ रहा। टॉस कर बेटा, ये मुश्किल काम तू ना कर पाएगी। एक काम करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ कि सबसे बढ़िया कौन सा था, देखते हैं सबसे ज्यादा कमेंट्स किसके लिए आते हैं, दिल्ली के लिए, यूपी के लिए, हरियाणा के लिए, बिहार के लिए या फिर पंजाब के लिए। अरे, जिसके सबसे ज्यादा वोटिंग पे शादी, उसके साथ इसका रिश्ता पक्का, और फिर एक वीडियो में इनकी मैरिड लाइफ भी दिखाएंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, देखते हैं सबसे ज्यादा कमेंट्स कौन से स्टेट के लिए आते हैं। नाइस 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 आईडिया है, नाइस आईडिया बिल्कुल। सो अगर आप नेक्स्ट शादी की कोई सीन देखना चाह रहे हैं मैरिड लाइफ, तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके तो आप यहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। इन पांचों स्टेट में से कौन सा लड़का सबसे अच्छा था? मेरे ख्याल में तो दिल्ली वाला बहुत अच्छा था, मुझे हरियाणा वाला अच्छा लगा, लास्ट वाला दैट इज नाइस। अपनी कमिटमेंट्स भी होती है यार, कोई उसके बाद बहुत जरूरी चीज है यार, इट्स ओके। मतलब कपड़े कुछ मैटर नहीं करते, तो लास्ट में कितनी अच्छी लाइन मार के गया, पंच लाइन। वो वीडियो खत्म करनी थी ना, इसलिए वो आई हरियाणा वाले के हिस्से में। मुझे लगता है ये बंदा खुद हरियाणा का है, इसलिए उसने जो है ना पंजाबियों के वोट पंजाबी को ही जाएंगे और दिल्ली वालों के दिल्ली को ही जाएंगे, भाई यही होता है। दिल्ली वाले मैंने सुना था गालियां बहुत देते हैं, तो यहाँ वीडियो में वो उससे भी नेक्स्ट लेवल में पहुंचेगा। दिल्ली बड़ा फेमस है यार, दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं तो समझ रहा था बड़े मतलब क्या वो क्या उसे कहते हैं बड़े तहजीब वाले, वाले लखनऊ की बात नहीं हो रही, दिल्ली की बात हो रही। हाँ ये भी है वैसे, डिफरेंस देयर इज अ डिफरेंस। दिल्ली वाले ऐसे होते हैं भाई, दिल्ली वाले अच्छा, अभी तक हमने जब भी देखे ना दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा इसी तरह का वो ब्रो ब्रो वाला सीन जो है ना, वो सारा काफी ज्यादा इन होता है। जैसे यहाँ के पिंडी बॉयज ने फेमस, यहाँ के पिंडी बॉयज लेकिन इस तरह के नहीं, वो और तरह के फेमस, मतलब एक फील्ड में फेमस है। इनसे मिलता जुलता इस्लामाबाद वाले ब्रोज वाला सीन तो इस्लामाबाद वालों के लिए ना, यहाँ तो बहुत ही मम्मी डैडी हो जाते हैं ना, ये वो वाला ब्रो वाला नहीं है, ये कोई और सीन लगता है मुझे दिल्ली का, इस्लामाबाद वाला कंपैरिजन है।
खैर आप लोगों को क्या लगता है और कैसी लगी ये वीडियो और किसको आप वोट करते हैं और इसके बारे में कुछ भी कहना चाहें तो नीचे कमेंट करके बताएं। कोई और वीडियो आप चाहते हैं देखें तो उसका लिंक कमेंट कर दें। हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब करें, वहां पर व्लॉग आ चुका है, अगर व्लॉग देखना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन खुदा हाफिज़।